शिवसेना से हैं, सागर शिंदे जी शिवसैनिक हैं और श्री विशाल पड़ो ये शिव युवा सेना समूह यहाँ पर आज पधार चुके हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आप दर्शकों के ओर से और आज इस मंच की ओर से और इस डांस सभी डांस ट्रूप की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगले डांस के लिए वुल्फ, इस डांस का भी नाम बहुत ही अलग है, वुल्फ डांस। देखते हैं यही इसी मंच से ये डांस के प्रकार देखने को मिलते हैं और एक प्रकार और भी, इस डांस का नाम है वुल्फ। करीबन 10 साल से उन्होंने करीबन 1,00,000 लोगों को सपोर्ट किया है मुंबई में उनको। आई थिंक लेट इट शो गो ऑन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अनिल जैसे लोग आते हैं और जाते हैं, ये कारवा तो चलता रहेगा, बट लेट दिस शो गो ऑन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लोग आते हैं और हमारे बीच में ऐसी कला देखने के लिए आते हैं और इस प्रोग्राम की इस मंच की शान बढ़ाते हैं, ये जरूरी होता है हर प्रोग्राम में। हम छोटे से छोटे प्रोग्राम भी गणपति के भी एरिया में करते हैं तो मानने वालों का हम लोग सम्मान करते हैं, इसी तरह से ये सम्मान त्रिवेदी डांस इंस्टीट्यूट की ओर से। आइए सर, फोटो मारो, फोटो इधर से ही साइड में बीच में जाओ। यस, पवन सोलंकी जी सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, और खास बात बताओ, मैं अभी भी पता चला है कि ट्रिनिटी डांस कैसा लग रहा है आपको? एज ओनली वन से टू प्राउड, यानी बहुत बलचा। आपके बच्चों को देखते हैं ना, पांव धीरज रहते हैं हमारे, सबके धीरज रहते हैं, राइट? पवन भाई, आपने कभी डांस किया है? नहीं किया है सर। आपने इन बच्चों को सिखाया कि नहीं? आपने तो मजबूत किया सर, यहां पर एकदम टकाटक। पवन कुमार सोलंकी जी का मोमेंट को देखिए, श्रद्धा मैडम को पवन जी और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। थैंक यू। प्लीज ऑडियंस, प्लीज क्लैप फॉर देम, इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल। थैंक यू सर। प्रशांत कुमार सिंघा, ये मैं लेके जाता हूँ तो टीवी मारेगी यार। अभिषेक जी कहाँ, मिडिल में आइए ना अभिषेक जी। आया
सम्मान मिलते रहता है, ये बड़ी फख्र की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। घर में जगह क्या करना चाहेंगे? सम्मान मिलना अपने आप में एक परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप सम्मान तो ठीक है ले रहे हो, लोग दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको अपने आप में एक बात करनी ज़रूरी हो जाती है कि जो सम्मान आपको दिया जा रहा है आपको आगे जो काम करना है उससे बढ़कर और बढ़िया करना है। इट्स मोर चैलेंजिंग। अगर समझिए आप मोदी जो सिंह, इट इज इंडीड अ कमिटमेंट टू डू समथिंग येट बेटर इन द मंथ्स टू कम इन द इयर्स टू कम। समाज के प्रति आपकी जवाबदारी भी बढ़ जाती है जैसे सम्मान मिलता है, तो वो भी मुझे सम्मान मिले ना मिले जवाबदारी अपनी वही रहेगी। और एक थॉट जो लेके चलता है आदमी कि भाई जिंदगी में आंखें बंद हो उसके पहले कुछ कर गुजरे, वो एक जज्बा हम सबको रखना चाहिए। देर आर पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स, बट ये सिर्फ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टेक्स अ प्लेज कि भाई हमें एक आज समाज के लिए कुछ कर गुजरना है, इंडिया विल बी अ फैंटास्टिक प्लेस टू। अनिल जी, ये कम्युनिटी डांस इंस्टीट्यूट जो जिन्होंने आपको सम्मानित किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या देखा आपने? आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। डांस रूप और एक डांस की अलग अलग फॉर्म्स, शायद मुझे खुद को नहीं पता था इतने फॉर्म्स होते हैं डांस में। डांस इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। मैं कहता हूँ आपको हर एक एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, वट एवर यू डू, ट्राई एंड डू समथिंग, इट्स अ ग्रेट ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। मगर आज यहाँ डांस एक्ट्स देख के मुझे ज़रूर मन में ख्याल आया कि डेफिनेटली इन द मंथ्स टू फॉलो जो आदमी आपसे अभी बात कर रहा है, मैं खुद डांस का इनिशिएटिव लेके चल रहा हूँ कि मैं डांस खुद सीखूँगा एंड प्रोबेबली समवे डाउन द लाइन यू विल सी मी परफॉर्मिंग फॉर शो। ओके, और जी आज आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आपने यहाँ पे अपने जीनियस के माध्यम से इनको सम्मानित भी किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? पवन जी खुद एक जीनियस है यार, अपने आप में जीनियस है, पूरी मतलब इनसाइक्लोपीडिया है पवन जी। पवन जी क्या कुछ कहेंगे? ट्रिनिटी डांस इंस्टीट्यूट जो कांदिवली मुंबई में जो उनके क्लासेस है उनका जेन्युअल फंक्शन था और उनमें करीबन 15 अलग अलग जो डांस फॉर्म थे उन्होंने परफॉर्म किए हैं और लास्ट ईयर उनको जीनियस अवार्ड भी मिला था। तो आज उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, साथ में अनिल मुरारका सर आए हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है और इतना अच्छा प्रोग्राम करके उन्होंने आज ये एनुअल फंक्शन किया है। और उसमें जो प्रशांत सिद्धवा है और जो मिस्टर पंचाल है कोरियोग्राफर अभिषेक पंचाल, उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश की है और काफ़ी मेहनत की है बच्चों के अंदर, तो करीबन 200-300 बच्चे आज ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने शो देखा सर, क्या देखा आपने, क्या प्रभावित किया इस शो के बारे में? अगर एक लाइन में कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, पैशन हो या जो उनका मेन मोटो है कि छोटे लोगों से लेकर सभी लोगों को ये लोग सिखाते हैं, तो इन्होंने जो गलियों में और जो बोलते हैं कि भाई जो रोड साइड बच्चे हैं ऐसे बच्चों से लेके सभी लोगों को सिखाया है और एक प्लेटफॉर्म दिया है। और 5 सालों से ये लोगों का मिशन ही यही है कि उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिले और आगे जाके ये और भी अच्छा परफॉर्म करें और उनके कैरियर में ये उनको काम आए। तो मेन लोगों को ऐसा था कि भाई डांस से लोग कमा नहीं सकते, पर अभी ये पूरी उसकी डेफिनेशन ये लोगों ने चेंज कर दी है। अनिल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने कहा पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था, आज भी कहा आपने कि अब मैं डांस में उतरूंगा, तो क्या आप डांस में क्रांति लाना चाहते हैं? जैसे योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, वैसे डांस डे दे पूरे देश में मनाया जाए, ऐसा कुछ क्रांति लाना चाहते हैं?
देखो यार, एक हकीकत ये है, उम्र का तकाजा उनको सबको करना चाहिए। क्रांति तो मैं क्या लाऊंगा, बट एक जुनून लेके चल रहा हूँ कि भाई एज इज़ नॉट अ बैरियर टू लर्न समथिंग। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आज भी कर रहा हूँ, इस यूथ से कुछ सीख के निकल रहा हूँ आज भी। यूथ इज़ अ पावर हाउस, और आप यकीन मानो जो टैलेंट, जो हुनर इन बच्चों में है, वो कैम्ब्रिज के स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। इट्स अ मॉड्यूल विच हैज़ टू बी टेकन फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। और जो आज अभिषेक जी जिस तरीके से जुटे हुए हैं, इन बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, इंडिया इज गोना शाइन एट अ डिफरेंट लेवल। हम कहते थे, या रादर हमारे पूर्वज कहते थे, कि हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया कहा करते थे। वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान को इसी नाम से फिर नवाजा जाए। डॉक्टर अनिल काशी मुराद का एक समाज सेवी होते हुए एक अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, तो क्या इस डांस एकेडमी के बच्चों को कभी मौका मिलेगा आपके फिल्मों में काम करने? दोषी, मैं आपसे बिल्कुल 100% कमिट करता हूँ। शॉर्ट फिल्म वगैरह जो करता हूँ उनमें भी इस चीज़ को आगे लेके चलूँगा। यहाँ तक कि जो बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया है, अगर ये अलाउ करेंगे मुझे, तो नेक्स्ट अवार्ड शो जो मेरा आ रहा है नवंबर में, जो आर्म फोर्सेस पर है मैन इन यूनिफॉर्म, इन बच्चों को वहाँ परफॉर्मेंस जरूर देखेंगे आप। पवन जी, चलते चलते अगले सवाल, कुछ अपील करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे जो बच्चे आज प्राइज जीते और जो नहीं जीते उनके लिए? एक्चुअल ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये एक पूरा एक फंक्शन है, तो ये पूरा एक परिवार बनता है, और इन्होंने मिलके ये प्रोग्राम को सक्सेस किया है। तो ट्रिनिटी डांस इंस्टीट्यूट जो एवरी ईयर एक नए लेवल पे आ रहा है, तो इस बार भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, इतने बच्चों को लेके नए डांस फॉर्म इसके अंदर भी वेरिएशन किए हैं। तो मैं अभिषेक की टीम और प्रसंग की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया। डिफरेंट मॉड्यूल ऑल टूगेदर, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसी चीज़ें ही आगे लेके निकल लीजिए। आप कुछ अपील करना चाहेंगे और बच्चों को जो आज जो जीते हैं उनके लिए क्या शुभकामनाएं हैं, और जो हार रहे हैं सेकंड पोजीशन है उनके लिए क्या? दोषी, हार जीत तो चलती रही है लाइफ में। जैसे पवन जी ने बिल्कुल कहा कि किसी ने किसी को हारना भी है और किसी एक को जीतना है, बट द शोएस्ट गो ऑन, लर्न समथिंग फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग टुडे and try and take a better tomorrow. Life must go on. डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? डांस करने से एक जो स्फूर्ति आती है बदन में, और जो आप जो यंग दिखते हो आप, कभी आपने भी डांस किया है नहीं? अनिल जी ने बता दिया उसके बारे में, अंदर बाहर कर रहे हैं। ऋषि जी आप एक प्रेरणा है। नहीं, प्रेरणा और तो आप ही करते हो, आप पूरे दिन उछलते रहते हैं। नहीं, पर आप भी कहीं डांस वांस करते हो, क्योंकि ये उम्र में भी आप फिटनेस का राज क्या है? स्वीटनेस का राज क्या है? डांस है अभी से अभी रहते हो, थोड़ी देर पहले कहा डांस सीखूंगा जरूर। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे कोरियोग्राफर है जो डांस सिखा सकते हैं आपको, तो क्या ख्याल है आपका सीखने के बारे में? मैंने वादा किया मैं पक्का सीखूंगा, और जरूर कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आप स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कभी अपने ऐसे डांस किए जैसे आज ये बच्चे डांस कर रहे हैं अनिल जी? मुझे मेरे टीचर्स ने या मेरे टीम ने कभी इस लायक ही नहीं समझा कि हम डांस एक्ट में कभी घुसे। हाँ, लेकिन आज मैंने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं ये प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ, और आने वाले दिनों में 100% आपसे वादा करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मुझे कोई परफॉर्मेंस करते देखेंगे। उस दिन का इंतजार करेंगे जी। अभी आप बटन ना छोड़ो भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक लाइन में तो बात नहीं कर सकता कि अभिषेक की तारीफ जितनी करो उतनी कम है। जैसा मैंने स्टेज पे कहा था कि अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का किसी के हाथ में अगर देना चाहे उनके करियर के लिए, तो फिर डेफिनेटली वो ट्रिनिटी डांस इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, और उनके करियर के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अगर लोग ये इंस्टीट्यूट से अगर लोग जुड़ते हैं, सो आई थिंक उनके करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। सर, ऋषि, बड़ों को डांस सिखाने से और छोटे बच्चों को एक लाइन में क्या मजा है? अरे ऋषि भाई, एक लाइन में आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे अभिषेक? बेस्ट के आगे बेस्ट है, उसके आगे अभिषेक है, बोले उससे ज़्यादा क्या
क्योंकि वो बेस्ट है, परफेक्ट सिखाते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, इतना अच्छा डांस सिखाते हैं। आज इनका बच्चों का डांस देखते देखते मेरे भी पांव थिरे फूटे, मुझे भी लगा कि मैं भी डांस करूँ, पर आता नहीं तो अभी सीख नहीं जाऊँगा इनके पास। तो कभी भाभी जी के साथ घर में डांस नहीं किया? नहीं, वो भाभी जी जो है वो सर्कस में काम करती थी, मैं बंदर की तरह रोज ही डांस करता हूँ, तो अलग बात है। आप इतना बढ़िया जो है आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने काम को लेकर के, तो डांस क्यों नहीं करते सर? नहीं, घर पे बीवी नचाती है, बाहर स्टूडेंट्स नचाते हैं, फिर कहीं पब्लिक मिले तो पब्लिक नचा देती है, तो नाचना तो रोज ही होता है। हम मुंबई की ट्रेन में धक्के खाते हुए ऐसे ही हम नाच लेते हैं थोड़ा बहुत। पेट्रोल के भाव बढ़ गए ना आज से, डीजल के भी बढ़ गए, तो भी ट्रेन के धक्के खाएंगे और नाच सीख लेंगे। बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आपके क्लास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कुछ नया करने का? नया रिकॉर्ड चल रहा है, बच्चे बहुत जल्दी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे स्केटिंग में। और आज डांस देख के ऐसा लगा कि स्केटिंग के साथ डांस का मिलाप करके एक नया रिकॉर्ड बनाओ, तो बात करूँगा अभिषेक जी से कि वो मेरे बच्चों को सिखाए डांस, मैं सिखा रहा हूँ स्केटिंग, तो आपको एक नया कुछ देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। शुक्रिया जी, कुछ पूछोगे? बस ना, एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये एकेडमी के बारे में, पर जब अभिषेक सर ने बुलाया कि न्यू डांसिंग स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, आपको बहुत बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, तो फिर आई वॉज वेरी क्रेजी कि ठीक है चलो जाके देखते। पर आज मैंने सब बहुत डिफरेंट देखा, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स देखे, जो नाम मुझे खुद को नहीं पता थे वो मैंने देखे बच्चों को करते हुए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात अभिषेक सर की, तो इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, दैट्स इट, थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कहते हैं कि बेटा अगर बाप से एक कदम आगे निकल जाए तो बाप को बड़ी प्राउड होता है, बहुत खुश होता है। जो आज स्टूडेंट एक कदम आगे बढ़ गया है, आप कुछ ऐड करिए उसमें कुछ अच्छा। मैं तो इतना बोल ही दिया कि जब स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है तो प्राउड तो ऑफकोर्स प्राउड होता ही होगा, सीना 56 का हो गया होगा आज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्या आगे जा रहा है ये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा शिष्य जो मन में कुछ नहीं अभी तक, जो मेरे साथ था 5 साल मेरे साथ डांस सीख रहा था मेरे इधर, अभी इतना आगे गया कि मुझे उससे हेल्प लेनी पड़ रही है कि अभिषेक मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इवन फाइनेंशियल भी वो कभी कभी मुझे हेल्प करता है। ऐसा शिष्य अगर इस दुनिया में अब भी है तो मुझे बहुत गर्व है अभिषेक के ऊपर। तो ये आप मानते हैं कि गुरु गुड़ी रहता है और चेला शक्कर बन जाता है? गुरु गुड़ हो जाता रहता है और चेला शक्कर बन जाता है। जमाने से वही चालू है, शिक्षक शिक्षक ही रहेंगे लेकिन बच्चे इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, ऐसे ही हम लोग इधर ही रहेंगे लेकिन हमारे शिक्षक आगे जाएंगे। प्राउड तो होता होगा बहुत बहुत। चलिए विश्वास, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो स्टैमिना है सिर्फ एक ही चीज से आता है, पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर वो नहीं होते तो बच्चे नहीं होते। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं होता, तो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत होना ज़रूरी है। कोई कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते बट लेकिन दिल से उनको बच्चों को सपोर्ट हर बार रहता है, भले हमारा बच्चा गिरे लेकिन हाँ खड़ा होगा वापस, उनको पता है, इसलिए वो हर बार सपोर्ट करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो ये शो रहा उसके बारे में, और किस किस कौन कौन आया था, कितने बच्चे आए थे, कितने क्या हुआ, तो थोड़ा सा अबाउट द शो अभी कहा हर साल में ये शो करते हैं, हर साल में एक बड़ा ये इवेंट रहता है। हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और स्पेशली अभिषेक सर जो ये बच्चों लोग को सब पूरे दिन रात ये मेहनत कर रहे थे डांस के पीछे, एक भी दिन बच्चों का एग्ज़ाम है फ़ोन करके सबको बुला कर ये प्रैक्टिस करवाते, ये बहुत बड़ी बात है। इसका इकट्ठा होकर इतनी बड़ी इवेंट में इतना मनोरंजन सब पेरेंट्स को देते। ये हमारा 5वां साल है, हर साल हम लोग कुछ नया नया करते हैं। भगवान के नसीब से हम लोग को मतलब इतना सपोर्ट अच्छा मिला। हमने जब क्लास खोला इन 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर हम लोग के पास 130 बच्चे आए 2 महीने में। ये बड़ी अचीवमेंट हम लोग के थी क्योंकि पेरेंट्स का ट्रस्ट हम लोग के ऊपर बहुत है, वो दिखता है। और ये इवेंट हम लोग साल में एक ही बार करते हैं लेकिन ऐसे लेवल पर करते हैं कि कोई बोल नहीं सकता कि ये साल में हो एक बार होता है, ये बार बार होना चाहिए ऐसे लगता है। लोगों का इतना सपोर्ट होता है बहुत। आज ये ग्रुप बोला कि हम लोग नेक्स्ट डे परफॉर्म करेंगे, दिल्ली से आने वाले हैं और वो स्पेशली छाऊ डांस करते हैं, और अगले साल आप लोगों को
छाव डांस, कुछ नया अलग तरीके का डांस देखने मिलेगा। और नया और अलग तरीके की बात करें तो अभिषेक, फर्स्ट जब आपने फर्स्ट ईयर किया था और ये फिफ्थ ईयर है, बराबर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस में आपने क्या अलग कुछ पाया और क्या डिफरेंट था आज, आज जो खास अगर एक कोई बात करें तो आइटम की बात करें सर, कुछ डेलीगेट किया गया अपना आर्मी ऑफिसर्स को, मुंबई पुलिस के लिए हमने एक प्रेजेंट किया था जो कि गर्ल्स ने प्रेजेंट किया था और वो डांस एक्ट के लिए गर्ल्स ने बहुत मेहनत की है, मतलब थोड़े 19-20 गलती हुई लेकिन बाकी चीज़ उन्होंने परफेक्टली की जैसे मुझे चाहिए, उससे दुगना किया है तो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। और केसरी तेरी मिट्टी, ये डांस मेरा ये शो का बहुत हाईलाइट था और वो हाईलाइट ही रहेगी आगे भी बिकॉज हमारे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, मेरी फैमिली डांस करती है स्टेज पे, स्टूडेंट तो हर रोज़ मिलते, फैमिली रोज़ नहीं मिलती। तो और कितने दिन का ये एक्ट जो अभी आपने दिखाया यहाँ पे, कितने दिन प्रैक्टिस चलाया, कितने दिन का ये मेहनत था जो आज यहाँ पे लोगों ने देखा और जब लोग देख रहे थे उनकी आंखें ही नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी। सर हर एक ग्रुप को हम लोगों ने कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस कराई है इन अ मंथ, मतलब आप 20 दिन बोल सकते हो बिकॉज मुझे उनका एग्जाम्स, स्टडीज, फैमिली में उतार चढ़ाव, अभी बारिश भी चालू है, वो सब देख के हम बच्चों ने बहुत अच्छा कोप अप किया, मैनेज भी किया, हम लोग को क्लास चलाना लेकिन उनको घर भी चलाना होता है उनके पेरेंट्स को, तो वो सब चीज़ को मद्देनजर रखे हुए बच्चों ने बहुत अच्छी एफर्ट दी जो कि हमने ये शो एक महीने के अंदर खड़ा किया है। चलते चलते आखिरी सवाल, जो लोग यहाँ पे आए थे, अनिल काशी मुरारका, पावन सोलंकी और तमाम आपके गेस्ट, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सबको? हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम लोग को इतने लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, ऋषि का भी नाम ऐड कर देना नहीं तो बाद में। ये साल हम लोग ने, मतलब हमारे मेरे खास फ्रेंड है साहिल खान, अंकल सिंह, साहिल खान बॉस्को सीजर के असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, अंकल सिंह जज डांस के विनर है और ऋषि जी है, आप तो सब जानते होंगे ऋषि जी को, पवन कुमार सोलंकी जी है चेयरमैन ऑफ गीजा अवार्ड, जीनियस अवार्ड, वापस श्रद्धा माहिरे जी है जो एक्टर भी है परफॉर्मर भी है, वो बहुत अच्छे लावनी करते हैं वो भी है, और भूषण तोंडवलकर सर है, नितिन दास है, राजेश भिड़वे सर है, इन लोगों के साथ मैं रोज़ काम करता हूँ, लेकिन बोलते ना भगवान, माता पिता और आपके गुरुओं का हाथ होना बहुत सर पे ज़रूरी है, वो हाथ है हम लोग के सर पे। अभी तक इंडस्ट्री में ऐसे कम डांसर बचे हुए जिनको मैंने ये स्टेज पर नहीं बुलाया है, अभी डांस प्लस से कुछ बबल सेलिब्रिटी रह गई, बाकी ऑल ऑफ देम वॉज इन्वाइटेड हियर, दे हैव बीन हियर इन लास्ट 5 ईयर्स, जस्ट उनको बाकी सबको लाना ज़रूरी है, वो नेक्स्ट ईयर में ज़रूर ट्राई करूँगा क्योंकि मुझे है कि बच्चे, मैं उनके सामने एक आइडल बन के रहूँगा लेकिन मेरे भी आइडल उनके सामने करेंगे तो उनको और पॉजिटिवनेस मिलेगी, यही कहना है मेरा। एक चीज़ और, डॉक्टर अनिल काशी मुरारका बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हर साल उनका एक बहुत बड़ा अवार्ड शो होता है अवार्ड जिंदगी का, जिसमें तमाम जो शहीद हैं हमारे देश के जवान शहीद हैं उनके परिजनों को बुला के सम्मानित करते हैं मंच पे, कई बड़े नेता भी आते हैं उस मंच पे, उन्होंने आज वादा किया है कि इस बार जो नवंबर उनका प्रोग्राम होने वाला है वो आपकी टीम को वहाँ परफॉर्मेंस करने का मौका देंगे, साथ ही साथ वो तमाम छोटी छोटी फिल्में भी बनाते हैं उसमें भी मौका देंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अनिल काशी जी से? सर जी, मैंने जैसे मैंने बताया मेरे ऊपर बहुत अच्छे लोगों का हाथ है, जैसे डॉक्टर अनिल मुरारका जी है, सोशल वर्क में बिलीव करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग एक इनविटेशन पे वो यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू अनिल सर, मेरे एक कॉल एक मैसेज पे उन्होंने रेडी हो गए और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मेरे इवेंट में आने के लिए, मेरा मैं उनके लिए आभारी हूँ वो आए यहाँ पर आए, क्योंकि बच्चों ने बहुत देखा होगा कि सोशल वर्कर कैसे होते हैं, लेकिन अनिल जी एक यूथ आइकॉन की तरह भी है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए यूथ आइकॉन प्लस सोशल वर्क में बिलीव करते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और वही चीज़ अपने और हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी दी है, लास्ट अभी गए टाइम मंथ थी हम लोगों ने उनके एक इवेंट में परफॉर्मेंस किया जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जो बड़े पैमाने पर किया, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चे ने परफॉर्म किया और उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, तो पेरेंट्स को बच्चे प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, वही अनिल सर कर रहे हैं। पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि अनिल सर आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए हम लोग ने एक ही इन्विटेशन में रखना, वो आगे बहुत बड़ी बात। चलिए, थैंक यू सर, पेरेंट्स का ले लो ना।
पूछो। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को होती है जब छोटे बच्चे अपने जब उनको सम्मानित किया जाता है या किसी किसी उसको अगर अचीव करते हैं तो कितनी खुशी की बात है आपको। आप अपने सामने देख रहे हैं कि बच्चे आपके आज अवार्ड जीत रहे हैं, नातू है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज के दिन। मैं बहुत खुश हूँ, प्राउड हो रही है आज कि नातू हो तो ऐसा। नातू हो तो ऐसा। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे। मगर आपको क्या लगता है कि आपने जब बच्चों को डांस सिखाया तो आपको लगा कि आपके बच्चे इतने बड़े स्टेज पे ये डांस करेंगे और इतने फेमस होंगे, कैसे लगता है आपको। ऐसा सोचा तो नहीं था, पर अभी आज है, मेरे बच्चे इतने, ये मेरी बच्ची इतनी स्टेज पे आगे पहुंच गई है, उनको खूब बहुत बहुत प्राउड। तो ये सर की मेहनत है, सर के लिए आप क्या बोलना चाहते हो। सर 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 के पास बच्चे को भेजा है ना, उसके बाद हम लोग को देखना भी नहीं पड़ा है कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, उसके बाद तो आगे बढ़ गए। तो खाली बच्चे ही नाचते हैं या आप भी सर के पास। हमको भी नाचने के बहुत मन होता है। अच्छा चलो, ये भी बात है। एक सर की स्टूडेंट्स भी है, उनसे पूछते हैं कि बेटा आपको कैसे लगता है जब आप डांस करते हो और क्या बताना चाहते हो उस डांस शो के बारे में और सर के बारे में, बताएंगे। एक्चुअली ये डांस शो और अभिषेक सर एंड द टीम, ये टीम नहीं है, ये पूरी मेरी फैमिली है। मेरी ही नहीं, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर के, हम सब एक दूसरे को अपनी फैमिली मानते हैं। हम लोग कभी कोई प्रॉब्लम भी होगी तो भी हम हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। एंड व्हेन वी आर इन स्टूडियो, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, व्हेन सर इज टीचिंग समथिंग टू अस, इट्स लाइक एनी, मतलब कोई भी बड़े से बड़ा कोरियोग्राफर हो, बट अभिषेक सर इज हैविंग अ वेरियस डिफरेंट प्लेस इन आवर माइंड्स एंड इन आवर हार्ट्स। वी रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उनका हार्डवर्क शायद हम कभी उतना ना कर पाए। आपके एक्सपेक्टेशन क्या है डांसिंग से। डांसिंग आई स्टार्टेड एज एन हॉबी, लाइक बचपन में बच्चे डांस करते, कोई गाना बज रहा है टीवी पे, दे डांस। बट डे बाय डे मॉम डैड को जैसे पता चलता है कि हाँ शी हैज पोटेंशियल टू डांस, सर ने फिर मम्मा ने मुझे इनके पास भेजा। एंड सर के साथ मैं पिछले 4-5 सालों से हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए मुझमें। मुझे पता चला डांस इज नॉट ऑल अबाउट योर बॉडी मूवमेंट्स, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विद योर बॉडी, योर इमोशंस थ्रू योर बॉडी विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। And that is what sir has been taught. Surely, wish you all the best. Thank you so much. Thank you.